पेट्रोल 100 के पार, इनकी सरकार दोबारा आ गई तो 200 पार कर देंगे ये लोग, 200 रुपए में बिकेगा पेट्रोल। ये जो खुले जानवर हैं जिसके लिए गौशाला बनाई थी, भूखी गाय मर रही हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर सड़क पर घूम रहा है, टक्कर मार रहा है, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। कल मैं जब फिरोजाबाद में था वहां बताया कि एक बाप और अपना बेटा लेकर के खेत गया था रखवाली के लिए, रात भर बना रहा, सुबह जब देखा उसने लौट करके आया तो सांड ने ऐसी टक्कर मारी दोनों को कि दोनों की जान चली गई फिरोजाबाद जिले में। मैं फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी पहुंचा, वहां पता लगा सांड से एक बच्चे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जाने गई हैं जानवर के टकराने से या एक्सीडेंट से। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, और जिनकी जान जा रही वो सब गरीब हैं, वो सब वो लोग हैं जो खेत की रखवाली करते हैं अपने खेत को बचाने के लिए। इनकी सरकार आई, हजारों करोड़ रुपए जाने कौन ले गया, और खेत की रखवाली के लिए भी तार किसान को लगाने पड़ रहे हैं। बताओ आपकी किसी फसल की कीमत ये दे पाए हो तो बताइए आप। इनका संकल्प पत्र पढ़ लेना, पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ आपकी किस पैदावार की दोगुनी हो गई आय? किसी फसल की आय बढ़ गई हो तो बताओ। न धान खरीदा गया, न फसल खरीदी गई, लूट हो गई। और जब खाद लेने गए तो खाद क्या मिल गई आपको? डीएपी मिल गई क्या? और बोरी को सही से नाप लेना, तौल लेना, बताओ चोरी हो गई उसमें से कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले बहुत पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं, वहीं से चोरी सीखी है इन्होंने। हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, याद है कि नहीं याद है? उन्होंने मुनाफा कमाया, रुपया उतना ही रहा, लेकिन पैकेट छोटा होता चला गया। आप जाकर के दुकान में पूछना, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे उन्हें मुनाफा कमाना था, उन्होंने अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा, बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकाल दिए। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपके खाद की बोरी से भी चोरी करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।